हरियाणा के शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने कहा कि हरियाणा के स्कूल शिक्षा विभाग में सभी पदों पर पदोन्नत की प्रक्रिया तेजी से की जाएगी। यह जानकारी उन्होंने वीरवार को चंडीगढ़ में उनसे मिलने आए हरियाणा शिक्षा विभाग कर्मचारी तालमेल कमेटी के पदाधिकारियों से वार्ता के दौरान दी। इस अवसर पर स्कूल शिक्षा विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती धीरा खंडवाल, मौलिक शिक्षा विभाग के निदेशक राजनारायण कौशिक भी उपस्थित थे। शिक्षा मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के प्रति गंभीर है और उनकी मांगों को प्रमुखता से पूरा किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि हाल ही में स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों के करीब 2000 पदों पर पदोन्नत की गई है और बाकी के पदों पर भी कर्मचारियों को पदोन्नत करने के विभाग को निर्देश दिए हुए हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 4 सालों के दौरान शिक्षा विभाग में लंबित करीब 9000 कर्मचारियों की ACP को जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि वर्तमान सरकार ने एक भी अतिथि अध्यापक को उनके पदों से नहीं हटाया गया है, बल्कि उनके वेतनमान में बढ़ोतरी की गई है। चंडीगढ़ से आर्त प्रकाश न्यूज़। ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अर्थ प्रकाश वेब टीवी।